गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। चेन रूल से किसी का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन है यूजिंग चेन रूल। सबसे पहले हम मैथ्स में ये दिखाना चाहते हैं कि मैथ्स में आखिर कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो मैथ्स में हमारे पास बेसिकली पांच तरह के फंक्शंस होते हैं जो हम आईलेट के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। आई आई फॉर होता है आपका इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। 12th क्लास में आप देखोगे जैसे टेन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। एल एल फॉर होता है लॉगरिथमिक, जैसे लॉग एक्स, एल एन एक्स या इस तरह के टर्म्स वगैरह यूज होते हैं। ए फोर हो जाता है आपका अलजेब्रिक, जिसमें वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर या इस तरह के टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टी फोर ट्रिग्नोमेट्रिक। आपने बड़े अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक को देख रखा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास छः साइंस, कोसाइन, टेंजेंट, और ध्यान में रखिएगा इस साइन को ही हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं, इसी तरह के बाकी के फंक्शन। ई फोर हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब कॉन्स्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, जैसे e रेज टू द पावर x हो गया या 2 रेज टू द पावर y, 5 रेज टू द पावर x, इस तरह के टर्म्स। तो बेसिकली हम इन्हीं पांच फंक्शंस के अकॉर्डिंग चेन रूल को आगे डिफाइन करेंगे। चलिए तो फिर हम डिसाइड करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके यूजिंग चेन रूल, ठीक है। लेकिन चेन रूल से पहले आपको कम से कम समझ तो लेना चाहिए कि आखिर ये फंक्शन बनता क्या है। सिंपल सा एक क्वेश्चन हम यूज करते हैं यहाँ पर। कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब। मान लीजिए ये फंक्शन है और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहने का मतलब क्या है? या तो आप इसको वाई डैश बोल सकते हो, या डी वाई अपॉन में डी एक्स बोल सकते हो, या इसे वाई वन बोल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा आप तो चेन रूल के कुछ बेसिक्स, जैसे आपको पता है क्या कि आईलेट होता है, आईलेट में एक टी आता है, टी फोर अगर आप बोल सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन आपके पास हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। एंगल कहने का मतलब क्या है? क्योंकि उसके साथ में जो भी है, जैसे साइन है तो साइन का थीटा उसका एंगल हो गया। दूसरा हमारा फंक्शन है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक कहने का मतलब जिसमें पावर हो और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इस तरह के फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा उसके बेस के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर आपको पावर दिखे तो बेस के रिस्पेक्ट में। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन नंबर के रिस्पेक्ट में, नंबर के रिस्पेक्ट में, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आप पावर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जो पावर है वो बेस के रिस्पेक्ट में होता है और एक्सपोनेंशियल आपका पावर के रिस्पेक्ट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉस का एंगल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब,
और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आपका बेस है, उसका एक पावर है। तो चेन रूल यूज करते हैं हम, चेन रूल का यूज करके हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम वो ध्यान से देखिए, dy अपॉन में dx करना है तो dy अपॉन में dx को हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे dy अपॉन में dw, फिर dw को आपने dz के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर dz को dx के रिस्पेक्ट कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये एक चेन जैसा बन जाता है इसके कारण। तो अब हमारे पास फंक्शन है dy अपॉन में dx, डिफरेंशिएशन करना है मुझे cos ऑफ sin ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री होल क्यूब। तो इसका एंगल क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल क्यूब, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एंगल क्या है साइन, तो इसका हमने साइन के रिस्पेक्ट में कर दिया प्लस में थ्री होल क्यूब। अब सेम फंक्शन आप आगे लेके जाओगे, ठीक है। अपन अब देखिए यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री, यहाँ पे मैं थ्री मिस कर गया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल क्यूब के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर से ये आगे स्टेप बढ़ा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल क्यूब, फिर से भूल गया था मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में डी ऑफ एक्स। अब सिंपल डिफरेंशिएशन आप समझ रहे हो, यहाँ पर कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो साइन जो है आपका एंगल, आप एंगल लिख दीजिए, अगेन आपका साइन है यहाँ पे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, जो एंगल है एंगल एज इट इज लिख दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करने एंगल में आपको, अलग अलग डिफरेंशिएशन हम करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पावर है और बेस है, बेस के रिस्पेक्ट में हो रहा था थ्री हमारा आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री और पावर एक हमारा कम हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके क्या हो गया टू एक्स और थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यू क्यू साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया यूजिंग अच्छे तरीके से। चलिए इसी तरह ये एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं यूजिंग चेन रूल। एक और फंक्शन हमने ट्राई किया y इक्वल टू साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री, ठीक है, इसका मैंने डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन में साइन का एंगल यहां से साइन से लेकर यहां तक, इस साइन का एंगल ये होगा और इस साइन का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री होगा। सिंपल हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, जो हमारा एंगल है हमने बस एंगल को ध्यान में रखा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में थ्री डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर से ये आगे जाएगा डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर से मल्टीप्लाई हुआ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में डी ऑफ एक्स। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन का हो जाता है हमारा कॉस, एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाई फिर से साइन का कॉस एंगल एज इट इज जो भी एंगल है, फिर से साइन एंगल कॉस एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया और थ्री जीरो हो गया। इसको रीअरेंज कर देते हैं, टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री।
आशा करता हूँ आपको चेन रूल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। घर में अगर नॉर्मल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। साइन ऑफ, कॉस ऑफ, रूट अंडर 1 + sin x² इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा आपकी आसानी के लिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा एंगल है साइन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आसान ही होगा, सिंपल सा है। y = sin^4 (x + 3)^3। ये आपका दो डिफरेंशिएशन है यूजिंग चेन रूल, ट्राई कीजिएगा। अगर बन जाता है तो सही, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। आई विल प्रोवाइड अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट। थैंक यू।